व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत। और कोलकाता के साथ दोबारा हमारा मैच होने जा रहा है। कप्तान उनके रिंकू सिंह रहेंगे, हमारे ध्रुव शोरी रहेंगे। ग्रासी डस्टी सॉफ्ट ट्रैक रहेगा भैया, तो ग्रासी है तो गेंदबाजी में मदद मिलेगी, डस्टी में आई थिंक हम बैटिंग ठीक करते तो शायद दोनों चीज़ों में मदद मिले। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि बैटिंग आ जाए। टेल्स का था वहाँ पे, आई थिंक हेड्स आ गया। चेन्नई ने टॉस जीत लिया है तो क्या लेने वाले हमारे कप्तान। बॉलिंग पता नहीं क्यों बॉलिंग लग रही है, बैटिंग ले ली। बैटिंग लेते हैं मोस्टली कैप्टन यहाँ पे, तो चलिए होप करते हैं बल्लेबाजी आएगी और शुरू करते हैं इस मैच को। चलिए भैया, गेंदबाजी आ गई है, बैटिंग इस बार भी नहीं मिली। 30 मैचों में 29 विकेट्स हमें मिले हैं, तो 192 रन। जगदीशन जो कि कुछ मैचों से नहीं चल रहे थे, आज भैया कमाल खेल के गए, वो शतक लगा दिया, वो भी नॉट आउट। और अभी तो हमारी बैटिंग बहुत दूर थी, उससे पहले ही काफ़ी कुछ हो गया। और जवाब में 15 ओवरों में सिर्फ 119 रन बना पाया है भैया कोलकाता नाइट राइडर्स। कोशिश कर रहे हैं, एंड्रे रसल लगे हुए हैं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते यार, बॉलिंग कराते हैं यहाँ पे। पहली गेंद और लगभग 14.5 रन्स पर ओवर लगाने हैं यहाँ पे कोलकाता को, इजी नहीं होगा। और नितिश राणा 1 रन लेते हुए वहाँ पे। चलिए चौथी गेंद कराते हैं, लास्ट बॉल पे एक अच्छा एज लगा था, विकेट का चांस बना था, लेकिन ये पीछे फील्डर है और कैच कीजिए, क्या बात है। एक फील्डर वहाँ पे खड़ा था और सीधा उसी के हाथ में गया, पर जो भी था यार विकेट बहुत ज़रूरी हो गया था, पिछले कुछ मैचों से मिल ही नहीं रही थी। क्या है, किस्मत से मिली पर मिल गई यहाँ पे नितिश राणा की। बिल्कुल उन्हें ही दिया उन्होंने, आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर शॉट लगा देते तो यहाँ पे निकल जाती गेंद। जो भी था, ध्रुव शोरी का बेहतरीन कैच और 10 रन बना के नितिश राणा बाय बाय। क्रिस लिन वहाँ पे बल्लेबाजी करने आए हैं, ओपनर बंदे हैं, कहाँ पे बैटिंग करने आए हैं यार ये। जो भी है, एंड्रे रसल स्ट्राइक पे है और चलिए शॉट अच्छा है, ये 1 रन मिलेगा। चलिए भैया दूसरा ओवर आ चुका है, 51 रन्स चाहिए 3 ओवरों में, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को। शॉट अच्छा था ये एंड्रे रसल का, 2 रन ट्राई करना चाहते हैं लेकिन नहीं पॉसिबल होगा। लेन स्ट्राइक पे, ओके सॉरी उल्टा बोल गया वहाँ पे मैं, क्रिस लिन का शॉट था और अब एंड्रे रसल है स्ट्राइक पे, तो गलती होगी यार, यहाँ पे 1 रन और मिल जाएगा, तो सिंगल्स की कोई टेंशन नहीं है, जितने मर्जी लो। चलिए भैया तीसरी बॉल आ चुकी है वहां पे, इनर एज लगेगा और ये 4 रन निकल जाएंगे। मैं सोच रहा था आई थिंक पिछली बॉल से पहले कि इनर एज नहीं लगा यार, पहले ओवर में मोस्टली लग जाता है लेकिन दूसरे में लगा इस बार, जब भी लगा लिन को चौका मिल गया। चलिए भैया ये मैच खत्म हो चुका है। एंड्रे रसल एंड में बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने, हमें इन्होंने हटा दिया उसके बाद, और क्रिस लिन कुछ इतना नहीं कर पाए। देखा जाए एंड्रे रसल के अलावा कुछ ज़्यादा किया नहीं किसी ने। शुभमन गिल ने जरूर 47 रन्स लगाए लेकिन बहुत तेज वो भी नहीं खेले भैया। तो जो भी था यार, बहुत ही ईजिली चेन्नई ने एक और मैच जीत लिया है। क्विकली यहाँ पे अगले मैच की तरफ चलते हैं। चलिए भैया वेलकम बैक, मुंबई इंडियंस के साथ अब मैच होगा, हार्दिक पांड्या उनके कप्तान रहेंगे। 12th man की तरफ मैं दोनों ही टीमों के नहीं देखना चाहता, दुख होता है। ग्रासी ड्राई मीडियम ट्रैक रहेगा वहाँ पे, और भैया ठंडी होगी बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे ठंड लगना शुरू हो गई है। टेल्स का है चेन्नई सुपर किंग्स ने, हार्दिक पांड्या वहाँ पे सिक्का उछालते हुए, क्या आएगा। पिच क्या थी, ग्रीन थी, ओके तो हेड्स आ गया, मुंबई ने ये टॉस जीत लिया है। क्या लेने वाले हो भैया, जल्दी ले लो, क्विकली ले लो भैया, सोचो मत गेंदबाजी। तो पहले बल्लेबाजी आई है, पता नहीं आ रहा आएगी कि नहीं, शुरू करते हैं। शान किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारी गेंदबाजी आ चुकी है, और एक बार फिर से वहां पे बैटिंग नहीं आई भैया, क्योंकि आज फिर से बेहतरीन बैटिंग की है चेन्नई के बैट्समैन्स ने। और 177 रन थोड़े कम लगे मुझे यार, बट पिच शायद ऐसी हो, बट 82 जगदीशन नॉट आउट रहे और 77 रन ध्रुव शोरी ने लगाए हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग है यार चेन्नई की टीम। लेकिन मुंबई भी बहुत अच्छा स्टार्ट ले चुकी है। जो भी है शुरू करते हैं यहाँ पे,
और 100 रन चाहिए लगभग 11 ओवरों में, और मार सकते हैं ये, कैच कीजिए भाई, कोई आके नहीं होगा। अच्छी बॉल थी यार, बॉल बड़ी सही आई है, स्विंग हुई हल्की सी, यहाँ बैटिंग आनी चाहिए थी यार। और ये एज लगेगा और गैप में जाएगा 4 रनों के लिए, छोटा ग्राउंड है, चौके तो लगेंगे यहाँ पे। और वही हुआ, फील्डर के पास इतना टाइम ही नहीं था भैया कि इसको पकड़ सके, कंफ्यूज भी था वो, पहले आगे को भागे फिर पीछे को भागे, पहले ही पीछे को भागते यार। चलिए लास्ट बॉल आ चुकी है, ईशान किशन 30 रनों पे पहुंच चुके हैं, और अच्छा शॉट, यहाँ 2 रन नहीं मिला करेंगे, यहाँ पे सवाल ही नहीं है। देखिए आराम से 1 रन लेते हुए, 86 रन अभी भी चाहिए, हमारा अगला ओवर आ चुका है, 7 रन दे दिए थे यार पहले में, और पहली गेंद अगले ओवर की, 1 रन मिलेगा यहाँ पे, 2 रन नहीं मिलेंगे। चलिए अगली गेंद, और फाइनली मुझे लग रहा है लाइटें लुइटें शानदार जगा दी गई है वहाँ पे, और ये एज था, ये कैच क्यों नहीं पकड़ा, मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे लगा जैसे बिल्कुल फील्डर के पास से निकली है। चलिए भैया चौथी गेंद कराते हैं, इवन लुइस वहां पे 54 रन्स पे खेल रहे हैं, इस बार आउट हो जाएंगे, काफी टाइम से यहाँ पे एजिस लग रहे थे, लेकिन इस बार भैया बहुत ही अच्छा कैच, वहां पे ऊपर से निकल रही थी बॉल लेकिन बढ़िया तरीके से पकड़ा, यहाँ क्या यार रिव्यू कहाँ से पकड़ा, अच्छा यार इन्होंने काफी ऊंची जंप लगा के, ध्रुव शोरी कप्तान साहब हमारे छोड़ने वाले नहीं थे यहाँ पे कैच को, और 54 रन्स बना के इवन लुइस आउट हो गए हैं, अच्छा खेल रहे थे, बढ़िया टाइम पे आउट हुए हैं। अनमोलप्रीत सिंह वहां पे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने, रिकॉर्ड बेहतरीन है उनका। चलिए पांचवी गेंद स्ट्राइक पे, अनमोलप्रीत सिंह है, 83 रन अभी भी चाहिए हैं, और आते ही बहुत ही अच्छा खेले हैं, 1 रन मिल जाएगा इन्हें, 2 रन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं मिल सकते, देखना होगा किसी पॉइंट पे जाके मुंबई कर पाएगा या नहीं, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। 75 रन चाहिए, कृणाल पांड्या आ चुके हैं बैटिंग करने वहां पे, चलिए और अच्छा शॉट पीछे, फील्डर एक बाउंस, 1 टिप 1 हैंड वहां पे कृणाल पांड्या हुए, 1 रन मिल जाएगा। चलिए अगला अगला ओवर नहीं, अगली गेंद आ चुकी है, ये बहुत प्यारी गेंद थी, और 4 रन निकल जाएंगे, पर क्या बढ़िया स्विंग हुई है, बैट्समैन क्या कर सकता था यहाँ पे, किस्मत के हवाले छोड़ दिया था उसने, और किस्मत ने कहा ओके कोई टेंशन नहीं 4 रन लो, पर ये बहुत अच्छी स्विंग हुई थी। चलिए हमारा अगला स्पेल आ चुका है, 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, और ये क्या किया इन्होंने, इतनी पिटाई करवा ली है। अरे भाई जीता जिताया मैच था ये तो, और क्या बात है, क्रूनल ने इतना नहीं लेकिन हार्दिक पांड्या ने कमाल किया हुआ है वहां पे, तो आई थिंक इसका लास्ट ओवर देख के भी मजा आएगा, तो पहले अपना कराते हैं और उम्मीद करते हैं ज्यादा रन ना दे। क्रूनल पांड्या स्ट्राइक पे है, पहली गेंद वहां पे, और क्या बढ़िया स्विंग हुई, टॉट बॉल बहुत मैटर करेगी यहाँ पे। ये 11 बॉलें तो देखनी बनती है, अगली गेंद इस ओवर की, 16 रन चाहिए होंगे, ये शॉट अच्छा है, 1 रन मिलेगा, 2 की ट्राई करेंगे, और इस बार नहीं, वापिस आए, देखना होगा यहाँ पे 2 रन ले पाएंगे या नहीं, आगे की जो गेंदें होगी, 10 रन 10 गेंदे 15 रन, अगली गेंद स्ट्राइक पे है, हार्दिक पांड्या जो कि लगातार हिटिंग कर रहे थे, ये बहुत बड़ा विकेट है, हार्दिक पांड्या आउट होते हुए, और आई थिंक मुंबई के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी विकेट है, काफी टाइम से इतनी विकेट्स नहीं मिल रही थी लेकिन आज जिस टाइम जरूरत थी, और ये विकेट तो बहुत जरूरी थी, बहुत अच्छी विकेट है ये, हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा है भैया, 7 चौके 1 छक्का, 16 गेंदों पे 36 रन लगाए इन्होंने। अनुकूल रॉय बल्लेबाजी करने आए हैं, बल्लेबाजी ठीक कर सकते हैं, और ओके लेफ्टी है ये। चलिए 9 गेंदे 15 रन और कंटिन्यू करेंगे हम, एक बार फिर से ये बहुत अंदर आई थी बॉल, क्रूनल ऑफ साइड, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अरे यार इस टाइम पे ये काम मत करो, ये क्या किया इन्होंने यहां पे, जहां एक एक रन मैटर करता है वहां पे ओवर थ्रोस,
तो बॉलें अभी भी पड़ी हुई है हमारे इस ओवर की, 13 रन रह गए अब बस मुंबई के लिए। चलिए अगली गेंद। ओह क्या बढ़िया बाउंसर था वहां पे। चलिए लास्ट बॉल आ चुकी है और मानना होगा हमारी बॉलिंग तो बेहतरीन है भैया, ऐसे टाइम पे क्या बढ़िया गेंदबाजी कराई है। यहां 2 रन मिल सकते हैं क्योंकि ये शॉट बहुत खराब टाइम था और इस बार ले जाएंगे। थ्रो भी डायरेक्ट नहीं आई और फाइनली लास्ट बॉल पे डबल लिया इन्होंने। मैं कह रहा था डबल पॉसिबल नहीं है बट ऐसा हुआ नहीं। राजेश मेहान के पास है लास्ट ओवर की जिम्मेवारी और फील्डिंग ये हमारी वाली के साथ जा रहे हैं जो सही नहीं है। फील्डिंग मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं अब कैप्टन नहीं हूँ, तो भैया यहाँ पे बस देख सकते हैं कि क्या बनेगा। 10 रन 5 गेंदे, 10 रन 5 गेंदे और मेहान अगली गेंद लेके तैयार। लातों की तरफ ना भटके ये बस चेन्नई के लिए ही। चलिए ये शॉट ठीक है और एक ही रन मिलेगा, 1 रन की टेंशन नहीं है इस टाइम पे। बड़ा हिट लगाना होगा किसी को मुंबई की तरफ से, कौन लगाएगा? कृणाल पांड्या लगा सकते हैं, इनके वैसे 2 मैचेस पड़े हैं यार करियर मोड वाले, वो भी खेल ले, खेल लेंगे कोई बात नहीं। और ये डॉट बॉल है, कर क्या रहे हैं भाई, हिटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं ये? अब तो हमने यार फुल की हुई है, शायद अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 3 बॉलें रह गई है और 9 रन चाहिए होंगे। कृणाल पांड्या स्ट्राइक पे, एज लगेगा, अपील ही नहीं की किसी ने, ये तो आउट थे। अच्छा टप्पा खा गई, ओके। इतनी दूर से यार विजन सही नहीं बन रहा है, तो 9 रन चाहिए 2 बॉलों पे और ये लास्ट ओवर क्या खेला इन्होंने। चलिए स्लिप्स रखी हुई थी लास्ट ओवर में और आउट भी हो गए कृणाल पांड्या। ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सी चीज हो रही है यार, लगातार बार बार हिटिंग ही नहीं कर रहे भैया, क्या चाहते हैं ये? 23 बॉलों पे 20 रन बना के कृणाल पांड्या आउट होते हुए ये अब आ रहे हैं। अरे भाई मुंबई वालों, 9 रन चाहिए, लास्ट बॉल है और मैं सिर्फ इसीलिए ये बॉल देख रहा हूं कि ये उठाते हैं क्या करते हैं, ये देख रहा हूं बस इस बॉल पे। इन्होंने उठा के मारा है भाई और रन फिर भी एक ही मिलेगा। तो चलिए बहुत आराम से ये मैच चेन्नई ने एंड में जीत लिया है। चलिए भैया ये मैच खत्म हो गया, एक बार फिर से जगदीशन वहां पे रहेंगे मैन ऑफ द मैच और हार्दिक की तारीफ करनी होगी यार एंड में जिस हिसाब से वो खेले। आई थिंक इवन लुइस और ईशान किशन भी ठीक खेले, लेकिन इवन लुइस तो ठीक खेले, ईशान किशन थोड़े स्लो खेले और कृणाल पांड्या ने तो जो किया अजीब ही था। पर अपना देखा जाए तो बैटिंग फिर से नहीं आई पर बॉलिंग आज बहुत अच्छी कराई है हमने। तो चलिए अगले मैच की तरफ चलते हैं। चलिए भैया हमारा अगला मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने जा रहा है। रबाडा इनके कप्तान रहेंगे और ट्राई मीडियम ट्रैक है, क्या बनेगा? कौन 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 आज बल्लेबाजी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी सोचने वाली बात है। ये अभी तक हमारी एक बार भी नहीं आई यार 2-3 मैचों में लास्ट, और टेल्स का था दिल्ली ने और भैया हेड्स आ गया। तो चेन्नई ने एक बार फिर से टॉस जीत लिया और ये बार बार बैटिंग ही लेते हैं। मुझे इंट्यूशन कई बार बॉलिंग की होती है पर ये बैटिंग ले जाते, इस बार बॉलिंग ले गए यार। ओके तो हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही वहां पे, चलिए जो भी है शुरू करते हैं वहां पे। तो चलिए 32 मैच 32 विकेट्स और 63 for 4 वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स 10 ओवरों में लगाते हुए रदरफोर्ड और ब्रायन बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्विकली आपको एक बात और यहाँ पे दिखा देते हैं भैया कि फाइनली स्ट्राइकर टाइमिंग भी हमने 100 कर दी है, जो आई थिंक 95 थी और रन रेट पहले से ही 100 था तो उसको नहीं छेड़ा। इससे तेज अब नहीं कर सकते यार, और अगर अब भी ये तेज नहीं खेलते तो मुझे नहीं पता क्या चक्कर हो रहा है। तो चलिए ये चीज़ हो चुकी है, शुरू करते हैं गेंदबाजी। चलिए भैया 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, हमारा पहला ओवर आ चुका है, पहली गेंद आ चुकी है और पहला रन हमें पड़ चुका है वहां पे। ये ग्राउंड बड़ा है थोड़ा कंपैरेटिवली। चलिए 152.1 क्या बात है। चलिए तीसरी गेंद, 66 दिल्ली का स्कोर और हम तेजी से भागते हुए 2 रन यहां पे मिलेंगे। ये बड़ा ग्राउंड है, यहां मिला करेंगे 2-2 रन। एक अच्छी थ्रो वहां डीप से चाहिए होगी। चलिए भैया चौथी गेंद और नगीडी खड़े हैं वहां से जहां से ये डबल्स ले रहे हैं,
और देखा जाए तो 80 फील्डिंग है उस साइड पे उनकी, तो ऐसी बात नहीं है, फील्डिंग काफ़ी है। और ये चांस बनता हुआ, लेकिन हमारे प्लेयर कहते नहीं मैं विकेटों पे मारूंगा ही नहीं। चलिए हमारा अगला स्पेल आ चुका है और 15 ओवरों में 116 ऋषभ पंत आ चुके हैं वहाँ पे बैटिंग करने। रदरफोर्ड अभी भी खड़े हुए हैं, तो थोड़े अब तेज खेल रहे हैं दिल्ली वाले। क्या बनेगा ये, रदरफोर्ड का बढ़िया शॉट था, 1 रन मिलेगा इन्हें, बढ़िया सिंगल। और सब स्ट्राइक पे आए हैं, ऋषभ पंत तेज खेल रहे हैं वो। चलिए भैया फ्री हिट है, ऋषभ पंत स्ट्राइक पे है तो मैं तेज कराने वाला हूँ और उम्मीद करूंगा कि ये मार दिया भाई इन्होंने, तेज कराई थी, 156 की स्पीड आई थी इस पे। आउट है ये, इस बार आउट है। अच्छी थ्रो, अच्छा पिकअप और ये आउट है बिल्कुल। रदरफोर्ड का विकेट गिरता हुआ, फ्री हिट थी तो कैच तो वहां पे नहीं होगा, लेकिन बड़ा स्टाइल से रन आउट किया जो भी था। आउट होते हुए वहां पे बहुत बड़ा विकेट है जैसे भी मिला, तो मैं कह रहा था हमें नहीं लग रहा है कि मिलेगी विकेट, तो रन आउट से ही मिल गई, बढ़िया बात है। कीमो पॉल बल्लेबाजी करने आए हैं और 121 रन 6 आउट, स्ट्राइक पे ऋषभ पंत। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी स्लोर कराई थी लेकिन उसके बावजूद 149 की स्पीड पे रही है। चलिए भैया नेक्स्ट बॉल कराते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। एज लगेगा और गैप में जाएगी 4 रनों के लिए, तो बढ़िया वहां पे ऋषभ पंत को रन मिलते हुए। और हमारे गेंदबाज बिल्कुल खुश नहीं है इस बात से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चलिए भैया और 2 ओवर हमारे खत्म हो चुके हैं, अगला ओवर पहली गेंद कीमो पॉल स्ट्राइक पे। ओ हो, अपील जरूर रहेगी, आउट तो नहीं है ये। और लास्ट ओवर में नगेड़ी इंट्रोड्यूस हुए थे, पहला ओवर फेंकने आए थे अपना, जो कि काफ़ी हैरानी वाली बात है यार, नगेड़ी जैसे बॉलर को आप इस टाइम के लिए बचा के रखे हुए। पारुल शर्मा जिन्होंने अच्छी कराई, वैसे सभी ने कराई है, मेहान पिटे हैं उनके 4 ओवर इन्होंने पूरे करा दिए, कमाल है हमारे कप्तान। चलिए दूसरी गेंद वहां पे, बढ़िया 1 रन मिलेगा इन्हें, तो लेंगे मुझे लग, ओ लेंगे लेंगे, थ्रो तो अच्छी आई थी पर 2 रन मिल जाएंगे। चलिए भैया 154 वहां पे दिल्ली का स्कोर, मैं कह रहा था यार 160s के आसपास इन्हें पहुंचना चाहिए, तो पहुंच गए हैं ये, ऐसी बात नहीं, क्या बॉलिंग हो रही है कमाल। और 5 गेंदें रह गई है, तो क्या करेंगे ऋषभ पंत, कोशिश कर रहे हैं वो लेकिन बैट ही नहीं टच हो रहा भैया, तो कोशिश का फायदा क्या इस बार हुआ है। 2 रन आई थिंक लेंगे भी एंड तो भागेंगे, ये नहीं भागे, ओके जो मैं कहता हूँ उससे उल्टा कर रहे हैं आज ये। चलिए भैया लास्ट बॉल आ चुकी है और इस ओवर में मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक आधा कैच आउट कोई होगा, हवा में खेलेंगे, बाउंड्री पे आउट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई थिंक वो डबल से काफ़ी खुश हो गए हैं रिसेंटली और ये आउट हो जाएंगे, काफ़ी दूर लगे, मुझे नहीं लगता पहुंचे हैं ऋषभ पंत पर। जी हाँ आउट है, बिल्कुल आउट है, ये तो डेफिनेटली आउट है। तो अजीब सा एक बार फिर से लास्ट ओवर, कोई बड़े हिट की ट्राई वहाँ पे नहीं हुई, उसके बावजूद आई थिंक ऋषभ पंत काफ़ी फास्ट खेल के गए हैं, तो ये मैच पे हमने फिर से जीत लिया है। एक भी विकेट नहीं गिरा यार, एक भी विकेट नहीं गिरा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी हो गई है कि हम गायकवाड के ऊपर आ चुके हैं। अब ये पता नहीं अच्छी बात है, अब ये पता नहीं भैया अच्छी बात है या क्या बात है, बट जो भी है यही है। तो यार आई थिंक एक मैच यहाँ पे और खेल लेते हैं, बैटिंग मुझे लग नहीं रहा उस मैच में भी आएगी, बट चलिए जो भी है खेल लेते हैं। चलिए भैया धर्मशाला में ये मैच हो रहा है, किंग्स 11 पंजाब के साथ, सुभाष खन्ना उनके कोई कप्तान है और स्टैंडर्ड मीडियम ट्रैक है, मैं XX दबा दिया यार, कुछ भी नहीं देखा। आई थिंक रेन भी इनेबल्ड होगी तो शायद बारिश हो भी जाए, धर्मशाला है वैसे तो हो सकती है, हेड्स का है चेन्नई ने, और दोनों प्लेयर्स मस्त एकदम लगते हुए वहां पे। टेल्स आया पंजाब ने ये टॉस जीत लिया है। चलिए भैया क्या लेने वाले हैं कैप्टन हमारे पंजाब, हमारे नहीं सॉरी यार, बॉलिंग ली है, बैटिंग आई है और आज तो बैटिंग आई नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, फाइनली हमारी बल्लेबाजी आई है भैया, आज तो मजा आ गया। 61 for 3 और आई थिंक एक ओवर वहां पे कम हो गया, 19 ओवरों का मैच हो चुका है तो इतनी टाइम
टाइम बाद बैटिंग आई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो चलिए आराम से शुरू करते हैं इसको। ओके, मैं वहां पे स्कोर पढ़ने गया था, वो तो भूल ही गया। शॉट काफी अर्ली चला गया क्योंकि बड़ी जज्बाती बैटिंग है ये, बड़े टाइम बाद आई है एकदम से। हुआ भी खेल दो यार, जल्दी हो गया, उस चक्कर में ध्यान रखना होगा, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम करना होगा इस टाइम। बारिश वहां पे होती हुई तो भैया ये मैच और छोटा हो सकता है। अगली गेंद, आर्या गेंदबाजी करा रहे हैं जिन्होंने विकेट्स लिए, बिल्कुल टाइमिंग। इस बार लेट हो गए, शायद ज्यादा ही वहां पे हो गया। तो 3 रनों की ट्राई करने वाला हूँ यार, मुझे लग रहा है हो जाएंगे वहां पे, और स्ट्राइक भी जो है वो अपने पास रहेगी, तो 5 रन वहां पे आगे 2 बॉलों पे, और क्या चाहिए। चलिए भाई अगली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद, सैम करन गेंदबाजी कराते हुए। काफ़ी लेट हो गए हम, 137 के आसपास की स्पीड थी ये, 2 रनों के लिए भाग लिया हूँ मैं। जब ये दो दो रन ले सकते हैं भैया, तो हम क्यों नहीं ले सकते, डबल लेते हुए वहाँ पे। तो 10 ओवर हो चुके हैं वहाँ पे, और कहाँ खड़े हो भैया, सैम करन अराउंड दी आ चुके हैं, अगला ओवर आ चुका है उनका। शॉट बहुत अच्छा था, थोड़ा सा गैप और चाहिए था। चलो चलो 2 भागो भैया, भागने पड़ेंगे अब तो, 2 रन मिलते हुए। तो 10 रनों पे पहुंच चुके हैं हम, सैम करन अगली गेंद लेके तैयार। ओ भाई क्या बॉल थी ये, बहुत ही अच्छी बॉल थी ये, क्या सही एंगल लगा यार इनका, मस्त एकदम। तो भैया आई थिंक ये पहली बार आईपीएल में हुआ है हम नहीं चले, अगर मैं श्योर नहीं हुआ, आई थिंक जब भी बैटिंग आई है कुछ अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन आज वो दिन नहीं था। लोकेश राहुल वहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, और बारिश हो रही है। 33 मैच 32 विकेटें, 41 रन 5 ओवरों में बना दिए पंजाब ने। चलिए भैया पहली गेंद कराते हैं अपनी, और मैच अच्छा हो सकता है ये। थोड़ा सा आज मैं डिसअपॉइंट हूँ अपनी बैटिंग से, पर यार बॉल बहुत अच्छी थी वो, रेदर देन कुछ सोचना ज़्यादा, बहुत अच्छा एंगल बनाया था उन्होंने। नॉर्मल कवर ड्राइव खेल रहा था, अच्छी स्विंग हुई बाहर को निकली, और क्या बढ़िया तरीके से हमारा विकेट गिरा, बढ़िया बॉल थी भाई, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अच्छे गेंदबाजी की। तो चलिए 2-2 रन ले रहे हो भैया, ऐसे मत करो यार, एक ही मिलेगा। केएल राहुल 20 रनों पे पहुंच चुके हैं, पहले बॉल्स तो अच्छे हैं ये। ओ हो, क्या बढ़िया गेंद थी ये। चलिए लास्ट बॉल कराते हैं, अभी तक अच्छा ओवर रहा है यार, और आई होप लास्ट बॉल भी बेहतरीन रहे। यार सारा ओवर खराब हो जाता है इसकी वजह से, और आपकी कोई गलती भी नहीं होती। चलिए सेकंड ओवर वहां पे आ चुका है, 72 गेंदों पे 100 रन बनाने हैं पंजाब को, और विकेट्स अभी तक सारी उनके पास है भैया, तो मार देंगे मुझे लग रहा है। बट अगर देखा जाए यार, हम काफ़ी आराम से क्वालिफाइड हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस मैच का पड़ना चाहिए। और दूसरी गेंद इसी बीच, दो रन यहाँ भी मिल जाएंगे, जी नहीं एक ही मिलेगा, जी हाँ दो नहीं जी एक, दो एक, एक ही मिला, 2 बस 17 रन, और 12 रन चाहिए 18 बॉलों पे, तो मुझे लगता है आराम से जीत जाएंगे। लेकिन आई थिंक डकवर्थ लुईस पहले भी इस गेम में बड़ा अजीब सा एंड रिजल्ट देके गया था, वो अच्छी गेम थी है, तो शायद कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं मुझे क्या हो सकता है। तो कप्तान साहब खेल रहे खन्ना साहब वहाँ पे, बढ़िया शॉट था ये, यहाँ तो 1 रन मिलेगा ही मिलेगा, 2 की ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं भी कंफ्यूज हूँ यहाँ पे क्या होगा आगे। चलिए लास्ट बॉल है, और 8 रन चाहिए पंजाब को, और इस बॉल पे कितने रन मिलेंगे, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 की ट्राई करेंगे यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे, और मिल भी जाएंगे, तो 6 रन चाहिए 12 बॉलों पे, क्या बनने वाला है। चलिए भैया पंजाब ने ये मैच बहुत ही आराम से जीत लिया है, और भाई हमारे लिए ये मैच कुछ खास गया नहीं, बैटिंग बॉलिंग किसी भी हिसाब से खराब मैच हमारा ये शायद पहला मैच होगा, वरना कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है हर मैच में। बल्लेबाजी से मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आज,
गेंदबाजी में देखा जाए विकेट नहीं मिली, रन भी दिए हमने वैसे, बट बॉलिंग ठीक हो रही थी यार। तो जो भी है हो गया भैया, आगे चलते हैं। चलिए लेवल इंक्रीज हो गया है, क्या बात है, बेहतरीन बात है। ये तो मिला कुछ भी नहीं है उसके बावजूद हमें। तो यहाँ पे भैया आई थिंक चेन्नई ने फर्स्ट पोजीशन किया है, तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और ये कहाँ पे आ गए यार, अब सही आया। तो एक बार क्विकली देखते हैं, तो अब चेन्नई और पंजाब का मैच होगा दोबारा से, और सनराइजर्स और केकेआर का मैच होगा। तो ये टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है यहाँ पे। उसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, मुंबई और बैंगलोर अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन बैंगलोर तो भाई अलग ही लेवल पे चला गया था। तो जल्दी से देखते हैं किस क्या रहा यहाँ पे। बोल बाला हेटमायर टॉप पे रहे, उसके नीचे ईस्वन रहे, फिर केन विलियमसन और जगदीशन हमारे काफी बढ़िया खेले, श्रेयस अय्यर उसके नीचे, लोकेश राहुल भी वैसे बढ़िया खेले, जो भी है 14 मिली, सिद्धार्थ कौल को, राशिद खान दोनों सनराइजर्स के, मोहम्मद शमी, मुजीबुर दोनों पंजाब के, देश पांडे 5वें नंबर पे हैं मुंबई के। लेकिन 11 विकेट्स की बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा, पृथ्वीराज और सुंदर साहा इन सबको मिली है भैया। और हमारा रिकॉर्ड क्या है, विकेट्स तो हमें भी मिली है यार, ऐसी बात नहीं है, 4-5 तो मिली होगी, 7 मिली है। ओके तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिली है। बैटिंग एक बार क्विकली अपनी देखते हैं, 14 मैचों में सिर्फ 6 बार बल्लेबाजी का मौका मिला, जिसमें 2 बार नॉट आउट गए, 167 टोटल स्कोर बनाए भैया, 85 गेंदे, 1 अर्धशतक रहा, 9 छक्के और 15 चौके, 2 बार कैच लिए, 52 हाईएस्ट, 41 की एवरेज, और स्ट्राइक रेट जो 200 से ऊपर था वो गिर के 196 पे रह गया एंड में। लेकिन वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि अब मैटर करते हैं ये मैचेस, यहाँ से जीतेंगे तो सीधा फाइनल में जाएंगे, और कोशिश यही रहेगी भैया कि ऐसा ही हो। तो अगले एपिसोड में भैया खेलेंगे ये वाले मैचेस, और आई थिंक अगले एपिसोड में हमारा आईपीएल शायद ख़त्म भी हो जाएगा, जैसे चला है हो ही जाएगा, और वो एपिसोड मुझे नहीं लगता बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन उसके बाद से हमारा एक प्रॉपर चलेगा भैया, जो होगा ये कैरेबियन कप, इसमें मज़ा आएगा, कप्तान हैं हम तो भैया मज़ा तो आएगा। चलिए जो भी था, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा भैया लाइक कर दीजिएगा, कोई भी बात है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।